तो दोस्तों हम लोग YouTube में काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग एक YouTube चैनल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार करके 15-20 वीडियो हम लोग अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ना ही हम लोग का वीडियो में व्यू आता है और ना ही हम लोग का सब्सक्राइबर बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर आप लोग का व्यू नहीं आता वीडियो में तो आपका सब्सक्राइबर भी नहीं गेन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग सोचते होगे यार कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करने से फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग तीन रास्ता देखने को मिलता है अपना चैनल को ग्रो करने का। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग गूगल एडवर्ट के थ्रू आप अपना वीडियो को प्रमोट करवा सकते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप सब पर सब करने लग जाते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन जो यहाँ पे एक रास्ता आप लोग देखने को मिलता है वो होता है दोस्तों कॉन्टेंट। अपना कॉन्टेंट को देखकर आप जो अपना चैनल को ग्रो करते हो वही सही होता है, ठीक है। अदरवाइज जितना भी मैंने दो आप लोग को रास्ता बताई वो रास्ता से आप लोग कभी भी लाइफ टाइम तक आप यूट्यूब को कर नहीं पाओगे, ठीक है। लाइक जैसे कि मान लीजिए आप एक बार में बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल पे चढ़ गए, ठीक है, बहुत अच्छा खासा आपका सब्सक्राइबर भी गेन हो गया, लेकिन दोस्तों वो रहेंगे नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग का वो डाउन होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ऊपर चढ़ गए और धीरे धीरे आप नीचे आते रहोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सब्सक्राइबर एकदम घट जाएगा और आपका चैनल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग का कंटेंट के थ्रू अगर आप लोग अपना चैनल को ग्रो करते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइबर को कंटेंट के थ्रू बढ़ाते हो, लाइक जैसे कि अपना वीडियो के दौरान आप लोग का बोलने का तरीका को देखकर अगर मतलब कोई भी सब्सक्राइब किया है तो वो अगर सब्सक्राइब करके आप लाइक मान लीजिए कि आपका बोलने का तरीका को देखकर कोई सब्सक्राइब किया है तो वो लाइफ टाइम तक आपका वीडियो को देखेगा और वो आपका लाइफ टाइम का सब्सक्राइबर बन के रह जाएगा। यानी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे है तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहोगे, और यहाँ पे क्या होता है अगर आप लोग गूगल एडवर्ट के थ्रू या फिर सब फॉर सब करते हो तो आप लोग एकदम ऊपर चढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप लोग को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आते जाएगा और इसमें क्या होता है नीचे से आप ऊपर जाते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही रास्ता है जिससे आप लोग एक अच्छा खासा सफल यूट्यूबर बन पाओगे, और वो होता है दोस्तों अगर आप लोग एक अच्छा खासा कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाते हो और उससे अगर आप लोग का सब्सक्राइबर गेन होता है, आप लोग का चैनल ग्रो होता है, तो लाइफ टाइम तक आप यूट्यूब में काम कर पाओगे और एक अच्छा खासा सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं कुछ ऐसा ही ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग का एकदम जेन्युइनली आप लोग का सब्सक्राइबर गेन होगा। दोस्तों आप लोग डेली कम से कम 300, 400, 500 यहाँ तक कि 1K तक का आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोग आज ट्रिक बताऊंगा शायद ही किसी यूट्यूबर ने इससे आगे कोई भी वीडियो बनाया है। दोस्तों मैं सोच रहा था आज कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ सोच रहा था और मेरा दिमाग में आया कि ये चीज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज से हम लोग का चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर है या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर अपना चैनल पर गिव अवे रखते हैं, ठीक है। अब गिव अवे मतलब क्या होता है शायद आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आप लोग एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आप लोग जानते होंगे गिव अवे मतलब क्या होता है। तो अब गिव अवे मतलब तो बताना नहीं पड़ेगा कि गिव अवे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना कि मान लीजिए कि आप YouTube में काम करना शुरू किया हो, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग के पास तो पैसा नहीं है कि आप अपने से गिव अवे रख पाओगे। आप लोग के पास अपने माइक और ट्राइपॉड खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है तो फिर आप गिव अवे कैसे रख पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को अपने से गिव अवे रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर अपने चैनल पर गिव अवे रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को उनका एक वीडियो बनाना है, ठीक है, और उस वीडियो में आप लोग को बता देना है कि टेक्निकल गुरुजी ये गिव अवे रखे हैं, इस प्रोडक्ट का गिव अवे रखे हैं, और आप लोग को सारा कुछ डिटेल में उस मतलब गिव अवे का रूल रेगुलेशन आपको बता देना है, और आप लोग को बता देना है कि ये गिव अवे इस प्रकार पार्टिसिपेट करने का ये रूल रेगुलेशन है। आप लोग सारा कुछ उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या करना कि थंबनेल जो उस वीडियो का बनाओगे वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई किसी का भी सजेस्टेड में आता है वो वीडियो तो ऐसा थंबनेल बनाना कि उसको क्लिक करके ही जाए, ठीक है। भले वीडियो पुराना देखे 2-3 मिनट तक देखे लेकिन कुछ आप लोग को ऐसा थंबनेल बनाना है जिससे आप लोग का बहुत अच्छा खासा उस वीडियो में व्यू आए। आप लोग मतलब कोई भी बंदा ऐसे स्क्रॉल करके पार ना कर दे, ठीक है, आप लोग का वो वीडियो देखकर ही जाए। तो दोस्तों आप लोग को कुछ ऐसा ही थंबनेल बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप लोग को अपने से गिव अवे नहीं रखना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर अपने चैनल पर गिव अवे रखते हैं तो उनका वीडियो आप लोगों को बनाना है, और मैं 110% ये बात से श्योर है कि बहुत सारा ऐसे आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च करते हो गिव अवे तो गिव अवे अगर आप लोग किसी भी वीडियो को देखते हो तो मतलब उनका व्यू के में ही होते हैं, 100 में नहीं होता, के में 200K, 300K, 50K, 20K इस प्रकार का ही व्यू होता है। और दोस्तों मान लीजिए कि उस मतलब आप लोग
कोई भी वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो उस वीडियो में अच्छा खासा मान लीजिए कि 20K व्यू आया, ठीक है। अब 20K में से लगभग कहीं ना कहीं 500 से 1000 सब्सक्राइबर आप लोग का उस वीडियो से डेफिनेटली बढ़ेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों इससे आप लोग बहुत अच्छा खासा अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो, ये एकदम जेन्युइन ट्रिक है, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्रॉड आप लोग को कुछ भी नहीं करना, एकदम जेन्युइन ट्रिक से। और दोस्तों अगर आप लोग अपना चैनल पर यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो दोस्तों वन मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 30 डेज में से आप लोग को कम से कम 8 वीडियो कुछ इस प्रकार का बना देना गिव अवे से रिलेटेड, और जितना भी बाद बाकी जितना भी डे है आप लोग को सारा में आप लोग को यूट्यूब टिप्स देना, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को कुछ ऐसा ट्रिक बताया जिससे कि आप लोग का सब्सक्राइबर गेन हो सकता है, आप लोग एक अच्छा खासा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, वो भी अपना कॉन्टेंट के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। इसी के साथ अगर इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरे यूजर नाम है B2Mantak.07, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।